ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो राउंड है यार, इसमें जो रेड कलर का जो डॉट बना हुआ है, इससे कहा जाता है पॉइंट नैनो। और इसके आसपास में तुम्हें कोई भी जमीन तैर करोगे ना, दूरी तैर करोगे कितना होगा, तो इस आसपास में तुम्हें कोई भी आइलैंड या कुछ भी नहीं दिखेगी। इसे इसलिए कहा जाता है पॉइंट नैनो। और ये ना, तुम बाकी इसे छोड़ के तुम कोई भी जगह पर दे जाओ जालो, वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ आइलैंड तो दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं दिखेगी। नंबर 10, ये जो देख रहे हो एक कैप्सूल होटल है जापान की। अरे ये जो है ना, यहाँ पर बहुत कम ही जगह है जहाँ पर कि एक लोग मतलब एक आदमी सो सकती है। वहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर एक लाइट लगी है और कुछ वहाँ पर आराम से लेट सकते हैं। अरे ये ना, ज़्यादातर ट्रैवल्स करने के लिए ना, जो ट्रैवल्स करते हैं ना, वो लोग के लिए बहुत अच्छा है ये कैप्सूल होटल। लेकिन मुझे एक बात बहुत हैरान लगती है, हमारे इंडिया पे ना, पूरे इंडिया पे कोई भी ऐसा कैप्सूल होटल नहीं है, कहाँ पर भी देखो। लेकिन होना चाहिए ना, जो ट्रैवलिंग करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये होटल में रुकने के लिए। लेकिन ये जो होटल है जापान के, जो कैप्सूल होटल, इसको स्टार्ट किया था पहली बार 1979 में। नंबर 9, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया इतना आगे बढ़ गई कि अगर कैमरे की क्वालिटी की बात करें, पिक्चर क्वालिटी की, तो एक एग्जाम्पल की तरफ मैं बताता हूँ आपको। जो प्लूटो देख रहे हो, जो ग्रह था अब है नहीं, अगर बताए तो, उसका कुछ पिक लिया गया था। देखो जो फोटो देख रहे हो, ये 1994 में लिया गया था। ये देखो कितना ब्लर दिख रहा है, मतलब बहुत ब्लर दिख रहा है। और उसके बाद देखो लिया गया था 1996 में, जो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद लिया गया था 2015 में, जो थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। जो लिया गया था 2018 में, वो कितना क्लियर दिख रहा है, साफ, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम सोच ही सकते हो एक्चुअली दुनिया कितने टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे बढ़ता जा रहा है। दैट्स वेरी अमेजिंग। नंबर 8, इस दुनिया के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है, जो कि पेरेजिन फाल्कन। इस दुनिया के ऐसे पक्षी है जो कि पर आवर 390 किलोमीटर स्पीड से जा सकती है, मतलब उड़ सकती है इतना स्पीड से। अरे ये इसलिए उड़ पाती है, जो तुम देखो जो नोज है ना, इसकी नाक पर जो जो थोड़ी सी उठी हुई है ना, इस वजह से वो इतना स्पीड से वो जा सकती है। नहीं तो इतना स्पीड से अगर कोई अलग सी कोई पक्षी होगा, इतना स्पीड से जाएगा ना, तो उसकी लंग्स फट जाएगी, इतना हवा उसके नाक से जाएगा तो उसके लंग्स फट कर वो मर जाएगी। अरे ये देखो, इसके नोज पर कुछ अलग सा है, नेचर ने कुछ अलग से बनाया है, इसलिए वो इतना स्पीड से जा पाती है। और ये इतना स्पीड से जा पाती है, उसे एक ही बाइक है जो कि सुपर बाइक, और उस बाइक का नाम है निंजा H2R। ये बाइक ही उसे टक्कर दे सकती है स्पीड में। अरे इस बाइक की पर आवर से स्पीड की बात करें तो 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड इस बाइक की। नंबर 7, ये जो फ्रूट देख रहे हो, इस फ्रूट का नाम है हाला फ्रूट। अरे ये फ्रूट कुछ ऐसे दिखाई देता है कि तुम्हें सोचो कुछ प्लानट, एक फटता हुआ प्लानट की तरह दिखता है, बिल्कुल सेम। ये फ्रूट के देखो और ये प्लानट को देखो, सेम तुम्हें पही लगेगा, ये फटता हुआ प्लानट की तरह बिल्कुल दिखाई देता है। नंबर 6, ये जो धरती है ना, जो धरती की जो ग्रेविटी होती है, वो हर जगह पर सेम नहीं होते, सब जगह पर अलग अलग होता है। और देखा जाए तो आज तक मैंने बचपन में कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ा कि ग्रेविटी कभी मैप होती है बोलकर। और ये देखो वर्ल्ड की ग्रेविटी तुम देख सकते हो, जहाँ पर ज़्यादा रेड है ना, वहाँ पर ज़्यादा ग्रेविटी है, जहाँ पर ब्लू कलर है ना, वहाँ पर सबसे कम ग्रेविटी है। मतलब सोचो, एक इंसान के वजन अगर 50 किलोग्राम है, अगर वो रेड एरिया पर रहा और वो अगर ब्लू ग्रेविटी की जगह चली गई, तो वहाँ पर उसकी कम से कम 500 किलोग्राम तक उसकी वजन कमेगी, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक वक्त देखा जाए तो एक ग्रेविटी का मैप के बारे में जानकर तो बहुत अमेजिंग सा फील हुआ। नंबर 5, इस पर हम जानेंगे कि टायर के बारे में एक बहुत अमेजिंग सा फैक्ट्स। ये जो टायर के पीछे के जो कान होते हैं ना, ये बिल्कुल में देखा जाए तो ये एक फॉल्स आई की तरह दिखता है। मगर सोच लो, टाइगर कभी पानी पी रहा है, वो आग बुझ के भी वो पानी पी रहा है, और कोई भी देख लेगा तो बट डर जाएगा, क्योंकि ना वो जो टाइगर के जो फॉल्स आई होता है ना, वो देखा जाए तो बिल्कुल में एक रियल आई की तरह दिखता है, रियल आँखें की तरह दिखता है, और वो बहुत अमेजिंग सा, जैसे कि कोई भी डर जाएगा इससे, रियल आई की तरह दिखता है ये फॉल्स आई इस वजह से। नंबर 4, एक्चुअली में जो रियल में जो केमिकल होता है ना, उससे अगर हम माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो रियल में कुछ वो इस तरह का दिखाई देता है, मतलब इस तरह की दिखता है रियल में देखा जाए तो, मतलब माइक्रोस्कोप से तुम देखते ऐसे दिखेगा। और तुम देखो, जो टेक्स्ट बुक में इस तरह दिया जाता है, और ये देख सकते हो, ये है टेक्स्ट बुक का इमेज जो कि माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखता है, बोलकर इसे दिया जाता है। और ये देखो माइक्रोस्कोप का और टेक्स्ट बुक का कुछ इमेज, देखो ये ऊपर का जो लिया गया है वो माइक्रोस्कोप का, और ये टेक्स्ट बुक का इमेज, पूरा 90% सेम हो रहा है देखो पिक्चर में। नंबर 3, ये जो तुम देख रहे हो, ये दुनिया के ऐसा लौता डिवाइस है सोनी की, सोनी VC CX1A।
इसका नाम है। और ये जो माउस है ना, ये माउस की तरह एक काम भी करेगा, फ़ोन में तुम बात भी कर सकते हो फ़ोन की तरह, बिल्कुल दोनों वर्किंग अवेलेबल है, मतलब दोनों वर्क हो सकते हैं इस माउस में। इट इज़ वेरी ओसम डिवाइस। नंबर टू, आज तक की बात करें तो अब तक तुमने आज तक कितने टाइम्स की मूवी देखे होंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या नहीं तो 5 घंटे की मूवी देखे होंगे। लेकिन एक मूवी है जो कि तुम लिस्ट पर देख सकते हो, जो मूवी जो पहला लिखा हुआ है रिसान मूवी, जो कि इस मूवी का टाइम देख सकते हो 14 आवर 33 मिनट्स, और ये मूवी रिलीज हुआ था 1987 पर। तुम देख सकते हो कितने लंबी मूवी है ये। और सेकंड पर आती है देखो लव फ्लोर, इस मूवी का टाइम देखो 13 आवर 55 मिनट्स मूवी। और ये मूवी की बात करें तो ये आया था 2018 में, मतलब अब तक की बात है इस तरह के टाइम। और तुम देख सकते हो, ये लिस्ट को पूरे पढ़ भी सकते हो। नंबर वन, चाइना में एक स्मॉल सा सिटी है जिसका नाम है चोंगकिंग। और इस सिटी में ना एक ब्रिज पर ही बहुत सारे लोग इसे घर बनाया है, और वहाँ पर रहते हैं इतने सारे लोग, क्योंकि ये ब्रिज पर भी इतने सारे लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पर तुम सब कुछ पा सकते हो, एक राशन से लेकर सब कुछ, मार्केटिंग फार्केटिंग, एक मेडिसिन दुकान, बहुत कुछ अब यहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर तुम कुछ भी खरीद सकते हो। और यहाँ पर ना तुम विजिट करने से भी जा सकते हो, विजिट करने के लिए भी। और यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, अगर कोई रहने को बोलेगा यहाँ पर तो आप रहोगे क्या? मैं तो नहीं रहूँगा, क्योंकि ना यहाँ पर एक बहुत तेज से हवा चली ना, इतना जोर से भी हवा आई, तो पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे इस वजह से। लेकिन आपको इस फैक्ट्स बारे में जाने कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले के लिए अगली वीडियो में।